एडिक्शन सब तो पहला तो आनुए प्रूव करता है कि यू आर डिफेक्टिव एंड देन एडिक्शन एक जुगाड़ पैदा करता है कि इस डिफेक्टिवनेस तो जड़ी तेरी पेन है ये जड़ी शेम की पेन है इनू मैं रिमूव कर देंगी तेन मेहनत नहीं करनी पेगी जी देखो एक चीज आके बैठ गई तुम कह यार फिक्र ना कर तू डिफेक्टिव है चल मैं तेरे नाल मैं तेरा भरा हाँ जदों तेन कोई प्रॉब्लम आएगी मैं तेरे नाल खड़ा होवांगा एक तरह की एक एडिक्शन आ गई पंगा आ गया यह हूँ बंदा जिहड़ा तुहाडे नाल इस तरह करके खड़ा होया जिन्हें तुहानू सेंस ऑफ कंप्लीटनेस दिती है तुसी हमेशा उस बंदे ते एहसान बन जा उस बंदे ते डिपेंडेंट हो जाओगे हुण तुहाडी जान निकलेगी जदों वह बंदा हसेगा नहीं समाइल नहीं करेगा उहदा मूड खराब होएगा वो तुहाडे नाल किसे दिन बोलेगा नहीं कदी नाल तुहाडे नाल नाराज हो जाएगा तुहाडी जान इन्नी निकलेगी ना तो राती नींदर आएगी ना तो सवेरे अच्छा महसूस होएगा हुण तुहाडे मूड जिहड़े आ उस इंसान के उपर डिपेंडेंट हो गए उस रिश्ते से डिपेंडेंट हो गए जिन्हों तुसी एक पॉइंट ते जिन्हें तुहानू ये कहा सी कान दे विच आवाज दे के भी तेरी डिफेक्टिवनैस नू मैं दूर करता तू फिक्र ना कर जे मैं तेरे नाल हाँ तो तैनू किसी भी अपने डिफेक्टिवनैस की जिंदगी लोड़ नहीं ये एक अडिक्शन है हुण किसी दे विच ये अलकोहल दे फॉर्म च आती है किसी दे विच पैसे दे फॉर्म च आती है बहुते ज़्यादा लोग जिहड़ी इस अडिक्शन तो पीड़ित होंदे ना टॉक्सिक शेम तो उन्हां नू पावर जिहड़ी है ना वो बड़ी जबरदस्त टॉक्सिक शेम का एक इमीजिएट सोल्यूशन मिलती है सो असीं देखिया दुनिया दे विच ज़्यादा लोग जिहड़े अपनी जिंदगी नू खराब करते हैं जिहड़े अपनी जिंदगी नू गालते हैं एंड बाद चो रिपेंट करते हैं कि असी जिंदगी सारी किस पिछे लाती दे आर पावर हंगरी पावर एक एहो जी चीज़ है जिहड़ी कि तुहानू फटाफट इमीजिएट रेमेडी दिंदी है कि तुहाडे अंदर की टॉक्सिक शेम खत्म हो जाती है एंड तुहानू लगता है कि तुहाडे कोल एक पावरफुल सीट आ गई तुहाडे कोल एक पावरफुल पोजिशन आ गई एंड तुहाडी जिहड़ी पावर है ना ये हुण तुहाडी टॉक्सिक शेम नू लुका देगी एंड उहदा एक ऑपोजिट इफेक्ट है पैराडॉक्सिकल इफेक्ट है कि दो मोर यू बिकम पावरफुल राइट तुहाडी उन्नी टॉक्सिक शेम तो तुसीं ज़्यादा डरते हो अच्छा मैनू लोकी इन्ना पावरफुल समझते है मेरा स्टेटस किन्ना पावरफुल है मैं जे इंज गल करदा उंगली हिलाना तो लोग जिन्हें ज़्यादा लोग तुहाडे नाल उस पावर दे विच इनवॉल्वड हुंदे ना उस गेम दे विच तुसीं उन्ना ही घबराण लग पैंदे हो अपनी लॉस ऑफ पावर तो एंड इत्थों तक हो जांदा है कि लोग अपनी जान गुआ देंदे है अपने लव्ड वन दी सैक्रीफाइस कर देंगे है पर अपनी पावर नू नहीं छड्ड पाते इन्नी स्ट्रोंग एक सेंस ऑफ रिलीफ है जिहड़ी कि सिर्फ एक अडिक्शन है हुण तुसीं देखो कि जे तुसीं इस गेम नू समझ लो ना मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है जिहड़ी कि रेमेडी है हुण ये सिर्फ समझण नाल समझ आनी है कि मेरा किहड़ा बिलीफ सिस्टम है यार जिहड़ा मैनूं दिन रात तंग करता रहिंदा है मैं बथेरा अचीव कर लिया बथेरा कुछ जिंदगी च पा लिया मैं जिम्मेवारियां इन्नियां चुक लियां अज भी ये मैनूं उन्ना ही तंग करन डई है बल्कि अगे नालों भी ज़्यादा तंग करन डई है हुण तो मैं इन्ना ताकतवर भी नहीं रहा हुण तो मेरी फिजिकल पावर भी घट गई हुण तो मैं कोई उहो जी चीज़ भी नहीं है जिथे मैं जाके शो ऑफ कर सकां हुण तो मेरी जवानी भी नहीं नाल रही कि जिथे मैं लोगों नूं अट्रैक्ट कर सकां मतलब हुण तुसीं देखो मेरे च किन्नियां चीज़ां घट गईआं हर चीज़ जिहड़ी है जिंदगी च फिजल कर रही है तुहाडे कोलों जा रही है तुहाडी ताकत तुहाडा जोर तुहाडा स्टैमिना तुहाडे अंदर दे जिहड़े मसल्स हर चीज़ जिहड़ी है ना वह हौली हौली जा रही है पर एक चीज़ जिहड़ी तुहानूं उस वेले भी मजबूर करती है थोड़ा जिहा होर कर थोड़ा जिहा होर कर वह जिहड़ी कान च आवाज़ आती है ना कोई गल नहीं तू थक्या होया ना फिक्र ना कर थोड़ा जिहा होर कर मैनूं पता तू कर लैणा यह जिहड़ी है ना यह पॉजिटिव आवाज़ नहीं हैगी एक नैगेटिव आवाज़ है एक टॉक्सिक आवाज़ है कि बंदा कहिंदा यार मैं इन्ना काम कर लिया हाले इस पॉइंट ऑफ टाइम ते मैं 60 साल का हो गया तो हाले भी मैनू ये चीज़ दिमाग च आती है कि तू कुछ प्रूव करने वाला रह गया तेरा उठ के फिर सवेरे उठ के कर ये बंदा हुण उस वास्ते नहीं कर रहा जिहड़ा कि कंटेंटमेंट वाला बंदा इस बंदे दे विच हुण कितें कंपैरिजन आ रहा कितें कॉम्पीटिशन आ रहा कितें कॉम्बैटनेस आई है किसी नूं हराना किसी नूं नीचा दिखाना किसी वेले वाह वाह कराणी एंड हर वेले इस चीज़ से भुखे रहना कि कोई तो मैनू प्रेज करे कोई मेरे वास्ते मतलब तारीफ करे या मैनू कोई यूनीक समझे
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹਦੀ ਪੇਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਸ ਝੂਠੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ।